बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की शादी को क्या अब भी माना जाता है करियर की बर्बादी? हीरोइंस का शादी की बात से दूर दूर रहना, हीरोज का शादी करके भी काम करते रहना, हीरोइंस का शादी करते ही गिरता हुआ करियर ग्राफ, ये सब एक बार फिर सवालों में आ गया है, क्योंकि रिसेंटली शादी करने वाली करीना कपूर ने शादी करने वाली एक्ट्रेसेस की वकालत में बोले हैं कुछ ऐसे बोल। प्यार करना और शादी करना कुछ गुनाह की बात तो नहीं है। वेल, लव एंड मैरिज क्राइम है या नहीं, ये मिस्ट्री तो इसे सुलझाने वाले ही बेहतर जानते हैं। पर अब जब बेबो इतनी ज्यादा डिफेंसिव होकर दे रही हैं अपनी शादी की सफाई, तो आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि आखिर बेबो ने अपनी और बॉलीवुड के बाकी शादी करने वाली एक्ट्रेसेस की ये वकालत कब, कहाँ और क्यों की है? प्यार और फिल्मों में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, और अगर एक औरत प्यार करती है या शादी करती है किसी से, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग उसे और नहीं चाहे, और वो स्क्रीन पे जो उनका कैरेक्टर है उनको नहीं चाहे। तो ये बहुत दो बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स है, एंड वी शुड नॉट ट्राई एंड क्लब देम। क्लब करना तो नहीं चाहिए, पर अब जब फिकी फ्रेम्स को इनॉग्रेट करने आई करीना ने खुद ही अपने प्यार, फिर शादी, और इंडियन एक्ट्रेसेस के लिए लगभग टैबू बन चुका ये शादी से दूर रहने का मुद्दा उठा ही लिया है, तो जरा शुरुआत से ही आपको बता देते हैं कि आखिर बेबो को चाबी किसने लगाई। It was said or perceived earlier that, you know, marriage ends the shelf life of an actress, which has changed, be it you, be it Vidya, you know. But what, anyone, according to you, has brought about this change? Is the current scenario? I don't think so. I think abhi log zyada baat kar rahe hain iske baare mein. Pehle bhi agar dekhne jaye, to chahe wo Vahida ji ho ya Sharmila ji ho, they were all married and they all acted in films like Daag and Amar Prem and Guide. So it was never. ये जो ट्रेंड है ये आप लोग ने ट्रेंड बनाया है। What? ये जो ट्रेंड है ये आप लोग ने ट्रेंड बनाया है। Oh, no. लो जी, गई भैंस पानी में। कोई शादी करे तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना करे तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ट्रेंड बन जाए तो मीडिया जिम्मेदार, कोई टूट जाए तो भी मीडिया के सिर पर मर दो। और ऐसा ही कर गई हैं करीना, जिन्हें लगता है इस इवेंट में उनसे पूछा गया ये सवाल समझ नहीं आया। It was said or perceived earlier that, you know, marriage ends the shelf life of an actress, which has changed, be it you, be it Vidya, you know. But what, according to you, has brought about this change? Is the current scenario? I don't think so. I think abhi log zyada baat kar rahe hain iske baare mein. Ye jo trend hai, ye aap log ne trend banaya hai. Well, अब आप ही बताइए इसमें मीडिया का गुनाह क्या था? बेचारे रिपोर्टर ने तो बेबो और विद्या जैसी एक्ट्रेसेस की तारीफ ही की थी ये कहकर कि विद्या और बेबो जैसी एक्ट्रेसेस की वजह से ही वो ट्रेंड खत्म होता दिख रहा है जिसमें कहा जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस का करियर खत्म हो जाता है। उस बेचारे रिपोर्टर को क्या पता था कि बेबो इस तारीफ के बदले में मीडिया को ही कर देंगी बदनाम। वैसे चलिए इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं, वरना कहीं ऐसा न हो कि बेबो एक दो और एलिगेशंस चिपका मीडिया के नाम से। ये जो ट्रेंड है ये आप लोग ने ट्रेंड बनाया है। इसीलिए गॉड ऑफ एक्टिंग की नहीं पर एक्टिंग की बात ही कर लेते हैं, जिसमें बेबो का बचपन से इंटरेस्ट है। एक्टिंग में हमेशा दिलचस्पी रही है, बचपन से लेकर अभी तक, बुढ़ापे तक भी यही चलेगा। सेट पर जाती रहूंगी एंड आई होप दैट आई विल डाई ऑन अ सेट एट 80। आए हाय, बेबो ने तो काफी लंबी प्लानिंग कर रखी है। सो 80 की एज तक तो उनके फैंस करीना की एक्टिंग देख पाएंगे, पर आइटम नंबर का क्या? मुझे आइटम नंबर्स करना, मुझे डांस करने का बहुत शौक है एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। सॉन्ग एंड डांस इज अ पार्ट ऑफ मूवी बिजनेस एंड स्पेशली हिंदी सिनेमा के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। विदाउट यू इट इज, आई मीन जब आप थिएटर में जाएँ तो जब टेवी कॉल बजता है या शीला स्क्रीन पे आती है, आई थिंक जो चहल पहल थिएटर में होता है तो जान में जान आ जाती है। चलिए, तो अब बेबो की जान में जान आ ही गई होगी। उन्होंने अपनी मैरिज पर सफाई जो दे दी है, भले उनसे ये सफाई देने के लिए जरा भी नहीं कहा गया था। प्यार करना और शादी करना कुछ गुने की बात तो नहीं है। प्यार करना और शादी करना कुछ गुने की बात तो नहीं है। चेतना सिंह, जूम, मुंबई।